हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड जीके। तो फ्रेंड्स, ऑन द चैनल वी डिस्कस दी प्रीवियस ईयर पेपर्स। एंड अभी रिसेंटली जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 24 जुलाई को, तो आज हम उसकी आंसर की जो है डिस्कस करने वाले हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो वो लोग अपने क्वेश्चन पेपर्स को मैच कर सकते हैं इस आंसर की से। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। देखिए, क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से आया था। मेरे पास ये बी सीरीज़ का एग्ज़ाम पेपर है, 2 आवर्स है, 100 मार्क्स हैं, 32 पेजेस हैं। इस बार इन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसको आपको जो है हैश में ऐसे डार्क करना था, ये जो क्वेश्चन आपने नहीं किया, सो दैट इट विल शो डिस्टिंक्टली दैट आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है। यहाँ आपने अपना रोल नंबर लिखना था, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25, मतलब 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच करना है। अब इस पेपर में जो है 75% जो है ना एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन थे, मतलब जो मैच दी फॉलोइंग है या फिर कौन सा रूल आउट कर देंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया जाता है? ऑनर्स दोज स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द स्पोर्ट्स बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव स्पोर्ट्स करियर। दैट इज ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। द्रोणाचार्य ऑब्वियसली गुरु को दिया जाएगा, तो जो कोचेज हैं उनको देते हैं। ऑनर एमिनेंट कोचेज हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट्स पर्सन एंड टीम्स एंड अनेबल्ड देम टू अचीव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, दैट इज गिवन टू ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस के लिए। एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये रिकॉग्नाइज करता है कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बाई एंटिटीज अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन एंड कोचेज। तो इसका है 3। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? A का 4, B का 3, C 1 and D 2। वैसे भी अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन भी इसमें आता है, मान लीजिए आपको पता है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट है, आफ्टर रिटायरमेंट ही दिया जाएगा ऑब्वियसली, लाइफ टाइम है तो ये द्रोणाचार्य कोचेस के लिए है, तो उससे भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है 2, विच इज द फॉलोइंग आर ट्रू? हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अचीव 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन 1970 इटसेल्फ। यस, दिस इज ट्रू। सोल होल्डर ऑफ द कंट्रीज रॉक सॉल्ट सोर्सेज? नो। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम ऑफ हरियाणा एम्स टू शिफ्ट फार्मर्स फोकस फ्रॉम ग्रोइंग वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स लाइक पैडी टू अदर लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स। या दिस इज करेक्ट। अभी थोड़े दिन पहले मैंने हरियाणा करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, उसके लिए वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये मैंने वहाँ पर भी डिस्कस किया था। मेरा गांव जगमग गांव, मोर देन 5000 विलेजेस इन हरियाणा हैव टू बी प्रोवाइडेड विद 24-आवर पावर सप्लाई। तो ये तीनों ठीक है, 1, 3 and 4। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेज द रेपो रेट बाय 40 basis points इन May 2022। नाउ कंसिडर द स्टेटमेंट्स, रेपो रेट आर इंक्रीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। यस, दिस इज करेक्ट। विद इंक्रीज ऑफ रेपो रेट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इंक्रीजेज। यस, लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाते हैं। विद रिडक्शन ऑफ रेपो रेट इंडस्ट्री गेट लोन एट हायर रेट फ्रॉम द लैंडर। जरूरी नहीं है। टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकॉनमी RBI हाइक्स ऑफ रेपो रेट टू इंक्रीज बैंक्स फ्रॉम बोरोइंग फंड्स। नो। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1 and 2 ओनली, ए इज द आंसर। नेक्स्ट है 4, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रॉम हरियाणा बजट 2022 and 2023। फर्स्ट है, रेवेन्यू डेफिसिट हैव बीन ब्रॉट विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय 15th फाइनेंस कमीशन अंडर FRBM एक्ट। यस, दिस इज ट्रू। फिर फिस्कल डेफिसिट हैव बीन प्रोजेक्टेड एट 2.8% ऑफ GSDP इन BEO 2022 and 2023। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर डेट टू GSDP रेशियो बिलो 25%। नो, दिस इज रॉन्ग। एंड 47 एग्जिस्टिंग बजटरी डिमांड्स फ्रॉम ग्रांट्स हैव बीन कंसोलिडेटेड इनटू 29 बजटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है 5, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन इन द कंट्री। विच द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट दिस स्कीम? आयुष्मान भारत प्रोवाइड्स ए कवर अप टू ₹3 लाख। नो, इट प्रोवाइड्स फॉर 5 लाख। तो पहला गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इट प्रोवाइड्स कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज टू द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस। यस, इट इज करेक्ट। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आर कवर्ड फ्रॉम Day 1। यस। बेनिफिट ऑफ स्कीम आर नॉट पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। नो, इट इज पोर्टेबल। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2 and 3। सो बी इज द आंसर। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए, मातानी पचेड़ी
दिस इज पेंटिंग, इसमें माता की ड्राइंग की जाती है। अब देखिए मातानी, नी वर्ड जो है ना गुजरात में यूज़ करते हैं, तो कहाँ सा गुजरात का हो गया, सांझी कहाँ की हो गई, उत्तर प्रदेश। फार इज राजस्थान, सोरा पेंटिंग्स उड़ीसा। तो मातानी पचड़ी से ये क्या है, कलमकारी है, कलमकारी आर्ट। सांझी क्या है, ये पेपर कट, सांझी डिजाइंस ऑफ मथुरा, मथुरा में ये फेमस है, मथुरा आर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फाट जो है ये काम किस पर करते हैं, क्लॉथ या कैनवस पर। एंड सोरा पेंटिंग ये वॉल पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 2143 ए इज द आंसर। नेक्स्ट 7, अब फिर से मैच करना है, वैरायटी यूनिट्स एंड टेक्सटाइल। तो शबनम क्या है, शबनम किसको बोलते हैं, मलमल, मसलिन, मसलिन को क्या बोलते हैं, मलमल। मशरू क्या है, मशरू इज अ कॉटन एंड सिल्क मिक्स। डाबला क्या है, ये वूल है। और चींट, अगर आप इसको हिंदी में देखें ना, चींट लिखा हुआ है ये, तो दिस इज कॉटन डिजाइन। और चींट कहाँ पर फेमस है, कहाँ का सबसे फेमस है, गोलकुंडा। चींट आर्ट ऑफ टेक्सटाइल ऑफ गोलकुंडा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 8, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वट इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव इवेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन, ठीक है। तो ये हो गया 1, सबसे पहले आएगा 2, फिर पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, यस। उसके बाद फिर प्रतिहार अंडर किंग मिहिर भोज, भोज 1, और उसके बाद फिर चोला पावर बाय प्रतंक 1, ठीक है। तो 2, 3, 4, 1 सी इज द आंसर। नेक्स्ट 9, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, ठीक है। डांडी मार्च कब हुआ, 1930 में। तिंदास की मृत्यु कब हुई, 1929 में। एंड सेकंड राउंड टेबल कब हुई थी, 1931 में। हमें इसका भी बताना क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, सबसे पहले क्या हुआ, फिर रोलेट एक्ट 3, 4, 2 एंड 1। तो फिर क्या बनेगा, देखिए 3, 4, 2, 1, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट है 10, इन द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म बलि डिनोटेड टैक्स। तो देखिए तीन टाइप के टैक्स थे, बलि, भाग और शुल्क, ठीक है। तो ये बलि क्या था, टैक्स था। नेक्स्ट इज 11, अष्टपद इन एंशंट इंडिया रेफर टू गेम ऑफ चेस। देखिए कुछ ये इस तरीके से होता था ना, ये बहुत सारे वो होते थे इसमें, और बीच में एक इसमें भी ऐसे करके बना होता था, ये जो है द्वापर युग से पहले से चल रहा है, कृष्ण जी भी खेलते थे ये वाला गेम, इस इज एन ओल्ड चेस। नेक्स्ट इज 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईस्ट, ईस्ट इज अ फंगी, ईस्ट इज अ फंगी, यस। इट कैन फॉर्म सूडो मिसीलियम्स, यस। ईस्ट आर फैक्युलेटिव एनोरबियस एनियरोब्स, यस। ऑल ईस्ट आर पैथोजेनिक, नो। ऑल नहीं होते, कुछ होते हैं। एंड ऑल ईस्ट आर डिमोर्फिक, नो। तो कुछ डिमोर्फिक होंगे, कुछ पैथोजेनिक होंगे। तो 5, 4, 6 जो है रॉन्ग है, बाकी 1, 2, 3, 4 करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट 13, आर्किमेडू क्या थी, ये रोमन फैक्ट्री थी, मतलब इट वॉज अ रोमन ट्रेड सेंटर नियर, जो आज का पुडुचेरी है उसके पास ही था, ठीक है। टोकला पियम, ये तमिल ग्रामर से रिलेटेड है। वल्लाल्स क्या होते थे, पैटर्न्स। एंड माइंड वैली इज अ मेजर ऑफ लैंड अंडर तमिल्स, ठीक है। तो पूरा तमिल का ही पूछा हुआ है, तमिलनाडु के बारे में। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट 14, कंसिडर द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा होता है, चौसा वेस्ट बंगाल में, नो, ये होता है यूपी में, ठीक है। तोतापुरी बेसिकली तो होता है श्रीलंका में, ठीक है। बट इंडिया में जो है ना, ये कर्नाटका तमिलनाडु इस साइड में जो है, यहाँ पर इसकी फसल होती है, आंध्र प्रदेश में भी। तो ये भी हो गया रोंग, केसर गुजरात है, अल्फांसो महाराष्ट्र है, यस। तो सो 3 एंड 4 इज द आंसर, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 15, स्टेटमेंट क्या है, राजेंद्र वन चोला इंट्रोड्यूस मलिगई कोल एज स्टैंडर्डाइज मेजरिंग यूनिट, यस दिस इज करेक्ट। राजेंद्र चोला सन अरुमोली वर्मन बिल्ड द फेमस बृद्धेश्वर टेम्पल, नो दिस इज इनकरेक्ट। ये किसने बनवाए थे, राजा चोलम ने उन्होंने बनवाया था ये, ठीक है। तो सेकंड इज रॉन्ग, इसका आंसर क्या रहेगा, 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 16, चूज द करेक्ट हायरार्की फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट लेवल इन मुगल इंडिया। तो सबसे पहले क्या होते थे, सूबेदार, फिर फौजदार, फिर अमीन, फिर मुकद्दम। तो डी इज करेक्ट, तो डी इज द आंसर।
नेक्स्ट 17 टीपू शाह किस रिलेटेड है, पागलपंथी, इनके जो फादर थे एक्चुअली वो थे बट इन्होंने भी उसको अपनाया था। दादू मियाँ फैराजी मूवमेंट, चैत सिंह बनारस रिबेलियन, तीतू मीर तारीख के मोहम्मदिया। तो आंसर क्या बनेगा इसका, तो वन का अगर फोर देखना है तो वन का फोर एक में ही है, ए का फोर देखिए, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 18 मंजूषा आर्टिजन आर्ट फ्रॉम अंगदेश प्रेजेंट डे भागलपुर, दिस इज करेक्ट। मेन कलर्स यूज्ड इन दिस आर्ट फॉर्म आर पिंक ग्रीन येलो ओनली, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 19 अब किला कोट, ये जो है ना पेंटिंग्स लिखी हुई हैं इधर, ये इनकी सब डिजाइंस हैं, तो किला कोट किससे रिलेटेड है, ये है सांझी से, कोहबर मधुबनी से, तो ए का देखिए 3 दिया हुआ है कहीं पर, ए का 3 एक में ही है, सही बन जाएगा, बाकी आप देख सकते हैं, बी इज दी आंसर। नेक्स्ट 20 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, व्हेन एन अल्ट्रासाउंड ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड चेंजेस, नो इट रिमेंस ऑलमोस्ट अनचेंज्ड, दिस इज करेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीड एंड अल्ट्रासाउंड वेव चेंजेस व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन, नो। एकोकार्डियोग्राफी अ टेक्निक यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एम्प्लॉयज अल्ट्रासाउंड, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आंसर क्या रहेगा इसका, स्टेटमेंट 2 and 4 आर करेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 21 ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, कौन सी बीमारी होती है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, क्या होता है जो पास की चीजें नियर वाली जो होती है ना, पास की नहीं दिखाई दे रहा, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ओके हाइपरमेट्रोपिया में आप जो है दूर की चीज देख सकते हैं। डिफेक्ट मे हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, दिस इज करेक्ट। फिर डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस, या दिस इज करेक्ट। जो पास का होता है ना उसमें क्या लगाते हैं, पास की नज़र कमजोर है अगर, तो उसमें क्या लगाएंगे, कॉनवैक्स, दूर का कॉनकेव। आंसर क्या रहे इसका, 2 and 4 आर करेक्ट, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 22 विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम अमेंडमेंट, दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहे हैं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पर लिखा हुआ है एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, यस। फिर आर्टिकल 54-55 प्रेजिडेंट इलेक्शन हैं वो उसके बारे में, तो ये भी करेक्ट है। चैप्टर 7 देखिए, दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन, चैप्टर 7 लिख दिया बट विच पार्ट, कौन से पार्ट का, तो दिस इज रॉन्ग। एंड चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9, नो चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11 इज देयर, 9 नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो दो कौन कौन से ठीक है, ए एंड बी, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 23 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बार्स द कोर्ट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स मेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 358 इज रिलेटेड टू इमरजेंसी प्रोविजन, तो जो कि 352 से और 360 तक होते हैं, ठीक है। फिर 366 इज डेफिनेशंस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, 368 मैंने बता ही दिया इस अमेंडमेंट, तो बचा क्या फिर 363, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट 24 इन विच पार्ट एंड चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज राइट टू प्रॉपर्टी इंसर्टेड आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3, इट वाज इन पार्ट 12 चैप्टर 4, तो बी इज द आंसर। एंड आर्टिकल बता दीजिए कौन सा है, आर्टिकल है 300A, कौन से अमेंडमेंट से डिलीट एंड इंसर्ट किया गया था, ये 44th अमेंडमेंट से। ऑलराइट नेक्स्ट 25 IR कोलो जजमेंट 2007 ऑफ सुप्रीम कोर्ट डील्स विद, देखिए इट डील्स एक्चुअली स्केड्यूल 9, ठीक है, बट उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात की गई थी, तो ये दोनों तो है ही नहीं, तो बी इज द आंसर। एंड द मेन केस ऑन बेसिक स्ट्रक्चर इज केशवानंद भारती केस। ऑलराइट नेक्स्ट 26 अब साइंस का क्वेश्चन है, मैच करना है। गोल्गी बॉडीज क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिसोसोम्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज लिपिड सिंथेसिस एंड राइबोसोम इज अ प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम हेल्प्स इन डाइजेशन, तो आंसर क्या रहेगा इसका। वन का देख लीजिए, बी इस दो में है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। फिर टू का डी जो है वो भी दो में है, फिर आगे देखेंगे थ्री का जो राइबोसोम का प्रोटीन, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट 27 इज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजीज कंप्राइजेस जेनेटिक डिजीज, तो कौन कौन सी होती है, सिकल सेल एनीमिया, हिमोफिलिया एंड डाउन सिंड्रोम, डी इज द आंसर। एड्स एंड हेपेटाइटिस आर नॉट जेनेटिक, नीदर द कैंसर, ठीक है, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 28 स्टेटमेंट 1 है, चंद्रयान 2 लॉन्च्ड ऑन 22 July 2019 फ्रॉम श्रीहरिकोटा बाय जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यस दिस इज करेक्ट। फिर द ऑर्बिटर विल सर्कल द मून इन, यहाँ पर विल नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर कुछ इनको और लिखना चाहिए था, क्योंकि अब तो हो चुका वो 19 में, ठीक है, और वो फेल भी हो गया, वो घूम भी नहीं पाया, तो लिखना चाहिए था वुड सपोज टू सर्कल द मून इन पोलर ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर, इज ऑल्सो करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 29
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, कौन सा नहीं है, डलसन इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, ए इज द आंसर. बाकी सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, सोर्बिक एसिड, सॉल्ट्स, दीज ऑल प्रिजर्वेटिव्स. नेक्स्ट 30, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स लेबल एजर्शन एंड रीजन, कौन सा करेक्टर अप्रोप्रिएट है बताइए. बायोगैस कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच कैन बी यूज एज फ्यूल फॉर सेवरल पर्पसेज एज इट रिलीज नो स्मोक और रेसिड्यू, ये करेक्ट है. बायोगैस ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हायर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू लोअर एनर्जी ऑफ बायोगैस इन द कंपैरिजन टू नेचुरल गैस, ये भी जो है ट्रू है और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है. तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए ए इज द आंसर. नेक्स्ट 31, बिफोर द इंसेप्शन ऑफ फाइव ईयर प्लान विच ऑफ दीज प्लान वर इन एग्जिस्टेंस, तो सर्वोदय प्लान था, बॉम्बे प्लान था, तो ये दोनों नहीं थे. तो आंसर क्या रहेगा, 2 and 4, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज एट योर होम, माइक्रोवेव ओवन टेलीविजन यूज डीसी करंट, यह दिस इज करेक्ट. रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन यूजेस एसी करंट, यस. एयर कूलर एयर कंडीशन यूजेस एसी करंट, नो. सम पार्ट्स यूजेस आल्सो डीसी करंट. मोस्ट डिवाइसेस यूजेस 220 एम्पीयर करंट, यस दिस इज आल्सो करेक्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस इज सेम, नो. तो डिफरेंट होगा. इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 2 and 4, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 33, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट साउथ पोल of bar magnet, yes this is true. Direction of magnetic field is taken by direction in which the north pole of the compass needle moves, yeah this is also true. There is no field inside a bar magnet, no this is wrong. Hoti hai wo, par jab beech mein hoti hai, that is quite low, jo ends hote hain us pe high rehti hai. The relative strength of magnetic field is shown by degree of closeness of the field lines, this is also correct. C is the answer. Next 34, स्टेटमेंट 1 है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यस. फिर है इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिक, दिस इज आल्सो करेक्ट. बोथ वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल, यस दिस इज आल्सो करेक्ट, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 35, मैंगनीज इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो अलॉयज, यस दिस इज ट्रू. मैंगनीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, हाउएवर इट इज मेनली associated with Dharwar system, yeah this is true. तो आंसर क्या रहेगा इसका, C, both are true and correct explanation. Next 36, which of the following are correct about western, eastern and western ghats. Anai Mudi is the highest peak of, ये western घाट की है, eastern घाट की नहीं है, ठीक है. western घाट are comparatively at higher इन एलिवेशन एंड लेस कंटिन्यूस देन द ईस्टर्न घाट, तो ये भी रॉन्ग हो गई, ये भी रॉन्ग हो गई, दो रॉन्ग हो गई. मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट, यस. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, यस. तो आंसर क्या रहेगा, 3 and 4, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अ डिजास्टर विच स्ट्रक उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट इन फेब 2021, ए पोर्शन ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, नो इट वॉज नंदा देवी ग्लेशियर. देखिए नंदा देवी ग्लेशियर था ना, उसका जो पार्ट जो है वो टूटा था एंड कॉज्ड हैवक. देयर वाज सडन फ्लड इन द मिडिल ऑफ द डे इन द धौलीगंगा ऋषिगंगा एंड अलकनंदा रिवर्स, दिस इज करेक्ट. तपोवन एंड विष्णुगद हाइडल प्रोजेक्ट एंड द ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट वर एक्सटेंसिवली डैमेज्ड, या दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर क्या रहेगा इसका, 2 and 3, सी इज द आंसर. नेक्स्ट 38, सिक्किम हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन एंड यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, नो दिस इज कश्मीर हिमालय जो है ना वहाँ पर है ये सब, वो करेवा फॉर्मेशन में है और जाफरान के लिए बढ़िया है, जाफरान मतलब केसर. करेवाज आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटीरियल एम्बेडेड विद मोरेन्स, यस दिस इज करेक्ट. तो 1 इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर करेक्ट अबाउट वेव्स, विंड कॉजेज वेव टू ट्रेवल इन द ओशन, यस दिस इज ट्रू. द एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर बीनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर, नो दिस इज रॉन्ग. स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड आर प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय द लोकल विंड्स, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हाइएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेव आर कॉल्ड क्रेस्ट एंड ट्रॉफ रेस्पेक्टिवली, यस 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 40, मैच द क्लाइमेट रीजन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू क्वेपन स्कीम. अब देखिए ये थे व्लादिमीर क्वेपन, ठीक है, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, उसके डिस्टिंग्विश किया क्लाइमेट रीजन्स को, तो उन्होंने ये बी डी एफ सी एंड ए एम डब्ल्यू ए एस ये बनाए. देखिए कुछ इस तरीके से है, देखिए ई का मतलब क्या हुआ, पोलर टाइप है ये, ठीक है. फिर ए एम डब्ल्यू ये जो कोस्टल एरियाज हैं, ए एस इधर हो गया, बी एस डब्ल्यू एच ए, तो इसको आप देख सकते हैं, गूगल करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी.
तो BWHW इज राजस्थान एक्सट्रीम वेस्टर्न, मतलब कोई बारिश नहीं होती, गर्मी रहती है, ड्राई। तो वन का सी दो में है तो ये एलिमिनेट हो गए, ठीक है। फिर ए एस कोरोमंडल ऑफ तमिलनाडु डी, तो फोर का डी इसमें है, थ्री इज द आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 41, इंडिया प्रेजेंटेड द फॉलोइंग नेक्टर एलिमेंट ऑफ इंडियाज क्लाइमेट चेंज एट COP26 इन ग्लासगो। रीच 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी बाय 2030। नो, दिस इज ओनली 500, तो वन हो गया रॉन्ग। 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, दिस इज करेक्ट। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 billion tons फ्रॉम नाउ टू 2030, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी बाय 45% 2030, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अचीवमेंट ऑफ टारगेट नेट जीरो एमिशन बाय 2070 या 2090 नहीं है, तो इसका आंसर क्या, ये गलत हो गया। इसका आंसर क्या रहेगा, 2, 3 and 4, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 42, टॉप 3 कम्युनिटीज बाय परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडिया एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ 400 billion आर इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। राइस नहीं है उसमें, तो आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 3, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 43, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज ए प्रोग्राम इक्विप टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दिस स्कीम। इट इज अ 6 month स्कीम, नॉट इट इज अ 1 year प्रोग्राम एक्चुअली। द अप्रेंटिस आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग बाई ऑर्गेनाइजेशन एट देयर प्लेस ऑफ वर्क, यस दिस इज करेक्ट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप द अप्रेंटिसेस आर नॉट पेड, दे नो दे विल बी पेड स्टाइफंड अकॉर्डिंग टू द वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड ट्रेनिंग। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 2 only, B is the answer. Next is 44, which of the following statement are true? GDP at market price is the market value of all final goods and services produced within the geographical boundary of a country in a year. Yes, this is correct. If GDP of a country is rising, the welfare may not rise as a consequence. Yeah, this is also correct. The rate of nominal GDP to real GDP is called as deflator. Yes, real to nominal ho jayega to that is not deflator, theek hai. To 4 is wrong, to 1 2 3 is the answer. Dono statement contradictory, ek hi theek ho sakti hai, to jo theek hai that is 3. Next is 45, which of the following is incorrect regarding, incorrect pucha, dekhi yahan par ab correct nahi pucha, dhyan dena hai. Ye aise karte hai na, bahut sare true puchenge, beech mein ek incorrect usa denge, to jo students hai wo sochega ki bhai jo correct hai wahi lagane hai humne. Regarding deaf olympics, to kahan par hue, कासियास द साओ ब्राजील में हुए, या दिस इज करेक्ट। फिर है इट वॉज हेल्ड फ्रॉम 1 May to 15 May, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। इंडियन एथलीट्स वोन अ टोटल ऑफ 16 medals, दिस इज करेक्ट। सुमित दैया वोन अ गोल्ड मेडल इन रेसलिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका, 2 only, 2 इज इन करेक्ट ना, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत एंगेजमेंट मैट्रिक्स बिटवीन स्टेट्स एंड यूटीज इज इन करेक्ट। अब इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर, देखिए तो गुजरात छत्तीसगढ़ है, यस। महाराष्ट्र उड़ीसा है, यस। गोवा कर्नाटका नहीं है, ये गोवा झारखंड है, ठीक है। चंडीगढ़ पुडुचेरी है, दादर नगर ये है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 3 only, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 47, देखिए बर्ड सेंचुरी बताने की लोकेशन से उसकी, नवाबगंज। देखिए जितने भी नवाब हैं और गंज जो है ना, सारे उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश। रुद्र सागर लेक कहाँ पर हो सकती है, इट इज़ इन त्रिपुरा। साओ कार लेक, साओ जो है इट इज़ रेडी टू लद्दाख, तो इसका हो गया 5। सस्तम कोटा लेक, ये कहाँ पर है, केरला में। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो पता ही होगा, 2-3 बार क्वेश्चंस में आया है यहाँ पर, ये इसी पेपर में, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्टली मैच्ड विद इट्स और देर ट्रिब्यूटरीज। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन, तुंगभद्रा, घटप्रभा एंड मालप्रभा, ठीक है। गंगा की कौन सी, गोमती, कोसी, गंडक, यस। यमुना की केन, बेतवा, चंबल, यस। कावेरी कौन सी, काबिनी, भीमा एंड हिमावती। भीमा जो है किसकी है, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो डी हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट कौन से हैं, 1, 2, 3, ABC, तो ABC इज द आंसर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 49, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन रिवर व्हेन अरेंज्ड बाय लेंथ फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट इज, सबसे लंबी कौन सी, गोदावरी, फिर कृष्णा, महानदी, तापी। देखिए गोदावरी की कितनी है, 1465, कृष्णा की कितनी है, 1400 किलोमीटर, महानदी कितनी है, 900। ये वैसे बड़ी चौड़ी है ना, जो मतलब ब्रेथ में अगर देखेंगे ना, तब जो है महानदी सबसे ज्यादा है। तापी कितनी है, 724, तो आंसर क्या देगा, बी। नेक्स्ट 50, द कंटेक्स्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, विच पेयर इज
मैच प्रॉपरली। तो उषा मेहता किससे रिलेटेड है? क्लैंडेस्टाइन रेडियो ब्रॉडकास्ट, यस। केटी भाष्यम रनिंग इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, नो। चिंटू पांडे लेबर अनरेस्ट, नो। मतांगिनी हजारा जिनको क्या बोलते हैं, ओल्ड लेडी गांधी, अभी आएगा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बूढ़ी गांधी बोलते थे इनको। तो अटैक ऑन पुलिस स्टेशन, तो इसमें इन्वॉल्व थी ये, तो आंसर क्या रहेगा, ए एंड डी, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 51, मैच दी फॉलोइंग डिटेल अबाउट शाहजहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। मोती मस्जिद कहाँ पर है, आगरा। फिर जहांगीर म्यूजियम कहाँ पर है, लाहौर में। तो ये हो गया वन। तो ए का अगर फोर है तो किस में है, ए का फोर दो में है, बी का वन हो जाएगा, देखिए दो में है, फिर सी का जो थ्री, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कैलीग्राफी कहाँ की गई, ताजमहल में, तो सी का टू, सी इज द आंसर। फर्स्ट कमीशन आफ्टर बिकमिंग एम्परर क्या कमीशन किया था उसने, पीकॉक थ्रोन, क्या बोलते थे उसको, तख्ते ताऊस, तख्त ए ताऊस। नेक्स्ट 52, मैच दी फॉलोइंग करने हैं, सूफी सेंट्स के, बहादुद्दीन जकारिया, कभी सुना है चिराग दिल्ली, यह सुना है, दिल्ली में जगह भी है चिराग, तो चिराग किससे रिलेटेड है, दिल्ली से जो जगह है इनके नाम पर ही, नसरुद्दीन चिराग के नाम पर। चिश्ती की दरगाह कहाँ पर, अजमेर में, इससे आप लगा सकते हैं, डी का टू, देखिए एक में ही है, तो आंसर आ गया ए। जकारिया क्या होगा, फाउंडर ऑफ सोहरावर्दिया ऑर्डर, ठीक है, और ये बंदे नवाज गेसुगराज गुलबर्गा। नेक्स्ट 53, डैश गिव्स एविडेंस ऑफ प्लांट सेटलमेंट एंड मड ब्रिक स्ट्रक्चर इन अर्लियर हड़प्पन पीरियड, वन, द रेंज ऑफ पोटरी टाइप सिमिलर टू दैट ऑफ कालीबंगन, किसके लिए बता रहे हैं, देखिए हरियाणा में कहाँ पर जो अभी एक्सकवेशन जा रही है, कहाँ पर है, राखीगढ़ी, तो डी इज द आंसर, राखीगढ़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर इन इंडिया, सबसे बड़ी साइट है। नेक्स्ट 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग हर्षवर्धन आर करेक्ट, ही बिलोंग टू मोखारी डायनेस्टी, नो, ये बिलोंग करते थे पुष्यभूति डायनेस्टी से, ठीक है, और क्या बोलते थे, वर्धान डायनेस्टी से, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू, यस, बान मयूरा एंड मतंग दिवाकर वर फेमस राइटर्स एट हिज कोर्ट, यस। हर्षा हिमसेल्फ रोट थ्री प्लेज, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागमंजरी, तो बी सी डी आर करेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 55, अब अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पहले क्या हुआ, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स पडक्कल, ये कब बनाए गए थे, 747 सेंचुरी में बनाए गए थे ये, और ये मतलब बहुत सारे राजाओं द्वारा बनाए गए, मतलब ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, कोई चालुक्य ने बनाया है, कोई चोला ने बनाया है, कोई किसी ने बनाया है, ठीक है। बृद्धेश्वर टेम्पल तंजावुर, ये किसने बनाया था, अभी बताया था मैंने, राजा चोला वन, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। फिर विट्ठल टेम्पल ऑफ हम्पी, ये कब बना है, 15th सेंचुरी में, किसने बनाया था, देवराया ने। रीबिल्डिंग ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल बाय नायक, ओरिजिनली तो बना था ये फर्स्ट सेंचुरी में, बट एक इन्होंने गोपुरम टूट गया था ये, तो बाद में इन्होंने नायक ने उसको रीबिल्ड करवाया था, तो ये करवाया था 16th-17th सेंचुरी में, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, सी डी बी ए, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 56, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट हेल्प्स ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड, यस इट इज करेक्ट। द कास्केड ऑफ इवेंट एंड केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन स्पेसिफाइड सिक्वेंशियल ऑर्डर, द चूज द इवेंट दैट डज नॉट टेक प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस, तो क्या नहीं होता, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यस, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, नो ये नहीं होता, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यस, तो आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट 57, कपल सस्पेक्ट द मिक्सअप ऑफ देयर न्यू बोर्न बेबी इन द हॉस्पिटल, ब्लड टाइप इज सॉर्ट, तो बताना कि वो जो बेबी है पता कैसे लगाएंगे कौन से ब्लड ग्रुप की है, तो देखिए दोनों जो मैन का ब्लड ग्रुप है वो ए है, वन का है बी, तो क्या होगा, ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, और ए बी बी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है, तो टू इज द आंसर, टू किस में है, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 58, नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन, दैट इज डी नाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू नाइट्रेट्स, तो उल्टा लिखा हुआ, दोनों इनकरेक्ट हो गए, बताना है यहाँ पर करेक्ट। न्यूक्लियर एसिड डीएनए आरएनए कंटेन्स नाइट्रोजन, यस। फिर ड्यूरिंग एटमोस्फेरिक लाइटनिंग नाइट्रोजन इन द एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यस। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूट लीगम्स, यस, तो 3, 4, 5 आर करेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 59, लाइकेंसा एल्गी भी है, फंगी भी है, यस, ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये है सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, तो एंड सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 1, 3 and 5, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 60, फॉलोइंग आर सम प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट्स, एवेपोरेशन ऑफ वाटर, यस, चेंज ऑफ स्टेट होगी, बर्निंग कैंडल में भी, डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, यस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ए बी सी जो है ना उसमें फिजिकल चेंज होगा,
ठीक है। देखिए इसमें एक और ऑप्शन है, बी इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नो, जो बर्निंग ऑफ कैंडल है दैट इज केमिकल चेंज, अगर मेल्टिंग होता, मेल्टिंग क्या होता है, दैट इज फिजिकल चेंज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट 61 अब बताना है, नॉट करेक्ट। लास्ट ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग जिप्सम, दिस इज करेक्ट। सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, नो, दिस इज सोडियम बाई कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ देखिए ब्लीचिंग पाउडर लिख दिया ना, वो होता है सोडियम कार्बोनेट। कैन ऑल्सो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस दिस इज करेक्ट, करेक्ट है। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, नो, ओनली 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ केमिकल स्पीसीज विद सैंपल नेम ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल को और क्या बोलते हैं, इसको कॉपर 2 सल्फेट या फिर कल्प्यूरिक सल्फेट, CuSO4, ब्लू विट्रोल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्विनस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें रॉन्ग कौन से हुए, बी एंड डी, तो आंसर क्या रहेगा इसका, सी। नेक्स्ट 62, सेलेक्ट दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद द ऑयली ड्रॉपलेट्स, नो, दैट इज हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं ना वो इंटरेक्ट करते हैं ऑयली ड्रॉपलेट्स से, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स इन ए सोप सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड emulsification, yes this is correct. With the hydrophobic ends of soap molecule is in inner side during micelle formation, yes. Micelle surrounds these Ca2+ and Mg2+ ions in hard water instead of oily droplets, yes. So answer kya rahega iska, B, C, D is the answer. Next 63, a vitamin that functions as hormone and a visual pigment, that is retinol, D is the answer. Charo likhe hue the chemical names, retinol is a chemical name of vitamin ए, ओके। फोलिक एसिड किसका नेम है, B12, रिबोफ्लाविन B2, थियामिन किसका है, B1 का, ठीक है। नेक्स्ट 64, टोटल परसेंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज 18.5%, तो बेसिकली यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर, 18 to 19। तो हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम तो वाटर होता है H2O, तो ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, 65% ऑक्सीजन, एंड हाइड्रोजन कितनी होती है, 9.5%, नाइट्रोजन कितनी होती है, 3.3%, बाकी 18.5% तो ये है ही, ओके। नेक्स्ट 65, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द एयर विल लीव द लंग व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग मस्ट बिकम हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 66, दैट इज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज इन द फॉलोइंग, मीथेन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, वाटर वेपर्स होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 1, 3, and 4, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 67, द पद्मा अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन्स फील्ड ऑफ एक्टिविटी मैच द नेम ऑफ पद्मा अवार्डी ऑफ द ईयर 2022। प्रभा अत्रे कौन है, ये क्लासिकल सिंगर हैं, इनको दिया गया है, तो किस में आएगा, आर्ट में। अब कुछ भी नहीं आता, देवेंद्र झाझरिया इज अ पैरालंपियन, 2 बार गोल्ड जीता है, किस में, जेवलिन थ्रो में, तो स्पोर्ट्स में है ये, तो देखिए डी का टू ए में ही है, ए में, तो ए इज द आंसर, बाकी आप लगा लीजिए। नेक्स्ट 68, डॉक्टर ढोंडो केशव कारवे, डी के कारवे, कहाँ के थे, महाराष्ट्र के, क्या किस में काम किया उन्होंने, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, 4 इसका आंसर रहेगा। लक्ष्मण नायक, अब अगे तो सबने ही पढ़ा हो गया, सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन, 9th-10th में भी बुक्स में पढ़ते थे हम इनकी स्टोरीज, तो हिंदी लिटरेचर में मातांगिनी ज़रा, मैंने बताया ना अभी, ओल्ड गांधी, ओल्ड लेडी गांधी बोलते थे इनको, लक्ष्मण नायक गांधी और मलकानगिरी ओडिशा, मलकानगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में, तो आंसर क्या बनेगा फिर इसका, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 69, द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग तात्या टोपे सिग्निफाइंग फेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, हिज रियल नेम वाज रामचंद्र पादुरंग राव, यस, इन बिटू ही केम इन कॉन्टैक्ट विद नाना साहेब मोरोपंत तांबे, यस, ही बिलोंग टू येवला इन महाराष्ट्र, यस, ही लेड रिबेलियन इन सतारा महाराष्ट्र, आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 3, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 70, विद द व्यू टू पोजीशन इंडिया एज ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हैव बीन अप्रूव्ड फॉर क्रिएशन ऑफ विद अ 4-year इंप्लीमेंटेशन पीरियड फ्रॉम 2021 to 2023-24। अब टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 14 ब्रॉड कैटेगरीज, नो, इनटू 12 ब्रॉड कैटेगरीज, फिर 5-10% तो ये है, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 2, 3, 4, बी इज द आंसर।
Next 71. Which of the following statements are correct about Bharatmala Pariyojana? It envisages the replacement of level crossing on national highway by road over bridge, road under bridges. Fir hai, it aims to develop the road connectivity to border areas. Yes. It aims to development of coastal roads, including road connectivity for non-major ports. Yes. It aims to improvement in the efficiency of national corridor. Yes. So its answer kya rahega? 1, 2, 3, 4. D is the answer. Next 72. So dams or rivers match karne ab. तो सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर, मेट्टूर कावेरी रिवर पर, हीराकुंड कहाँ पर है? महानदी पे, गांधी सागर चंबल पे. आंसर क्या बनेगा? 1 का डी, 2 का सी. डी इज द आंसर. अगला 73. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इट वॉज लॉन्च टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एरीगेशन फील्ड लेवल. यस. एक्सपेंड कल्टिवेशन एरिया. यस. इम्प्रूव फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी. यस. इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस. यस. तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3, 4. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 74. अब स्टेट है, मैच करने हैं हम फ्रेजेस से. असम को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ रिवर एंड ब्लू हिल्स. मेघालय को अबाउट ऑफ क्लाउड्स. उत्तराखंड को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ गॉड्स. केरला को गॉड्स ऑन कंट्री. जो एड्स आते हैं उसमें भी आपने देखा होगा. तो इसका आंसर क्या रहेगा? BADC. तो BADC 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 75. रीड द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द आंसर. स्टेटमेंट 1 है, द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोसफेयर. यस. द जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोसफेयर सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ क्लाइमेट. यस, दिस इज करेक्ट. बोथ आर करेक्ट एंड 2 इज provides correct explanation to 1. C is the answer. Next 76. The Indian plates include peninsular India and Australian continental portion. No, this is wrong. Not Australian. Fir hai, the subduction zone of Himalaya forms southern planetary boundary in the form of continent convergence. Yes. In the east, it extends to Rakhineya mountain of Myanmar towards the island arc along the Java Trench. Yes. The western margin follows Kirthar Mountain of Pakistan. Yes. तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2, 3 and 4. B is the answer. Next 77. अब बताना करेक्ट. Evaporation is a surface phenomenon which means particle from surface changes into vapor state. Yes. Boiling is bulk phenomena which means particles from bulk of liquid changes into vapors. Yes. Deposition is the state of gaseous state directly to solid without converting into liquid. Yes. The state of matter can be changed by changing its temperature only. Not temperature, physical state bhi temper kar sakte hain usme. To answer kya hoga? 1, 2, 3. B is the answer. 4 is incorrect na. Next 78. Ab batana hai, match karna hai. Camphor from sodium chloride. Kya hota hai ye? This is sublimation. Butter from cream. Banate kya bolte hai usko? Centrifugation. देख लीजिए, 4 का जो 3 दो में है ये हो गया एलिमिनेट. 1 का 4 एक में है. सी इज दी आंसर. इजी है. नेक्स्ट 79. पॉलिटिक्स से क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से. कंसिडर लीगल इशू इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग एडवाइजरी ओपिनियन रेंडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143(1) डेली लॉज एक्ट 1951. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर ये फेमस केस है. केशव सिंह किस पे है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर. रेफरेंस 1 किस पे? गुजरात गैस पर. एंड 2 किस पे है? गुजरात असेंबली इलेक्शंस पर. इसका आंसर क्या बनेगा? 3, 1, 2, 4. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 80. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अभी देखिए रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ ना, देख उससे पूछ लिया ये. द पर्पज ऑफ 54, 55. तो एनसीटी ऑफ डेली एंड पुडुचेरी. गोवा तो स्टेट है, लक्षद्वीप जो है उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि देर आर नो गवर्नमेंट इन लक्षद्वीप. ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ए एंड सी. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 81. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. इट कंप्राइज मोर देन 22 मेंबर्स. टोटल होते हैं 7 होते हैं राज्यसभा से और बाकी कितने बच गए? 15 फ्रॉम लोकसभा. एज पर कन्वेंशन ए मेंबर ऑफ अपोजिशन एक्ट एज इट्स चेयरमैन. यस. इट एग्जामिन्स द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द इनकम एक्सपेंडिचर द स्टेट कॉर्पोरेशन ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज. यस. द टर्म ऑफ कमिटी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर एट अ टाइम. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो आंसर क्या रहेगा? BCD. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 82. अब स्टेटमेंट बताने कौन सी करेक्ट है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब ए है, एड हॉक जज इज टू बी अपॉइंटेड इफ द कोरम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज इनसफिशिएंट टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट. यस. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बिफोर अपॉइंटिंग अ जज ऑफ सेट हाई कोर्ट एज एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यस. फॉर अपॉइंटमेंट एड हॉक जज प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेजिडेंट इज नॉट मैंडेटरी. दिस मैंडेटरी. दिस इज रॉन्ग. एड हॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाइल एंडिंग द सिटिंग
ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंजॉयज ऑल पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, यस इट इज करेक्ट। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए बी एंड डी, डी इज द आंसर। नेक्स्ट है 83, लीडर हु सर्व मोर देन वंस एज प्रेजिडेंट ऑफ INC, तो कौन कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, दादाभाई नरोजी, विलियम वेडरबर्न, तो कौन नहीं बने दो बारी, रहमतुल्ला। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए बी सी ई, तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट 84, महाराजा रंजीत सिंह केम फ्रॉम करोड़ा सिंघिया माई मिसल, नो ही बिलोंग टू संधावालिया ओके कम्युनिटी। तो जीन फ्रैंकोइस अलार्ड एंड जेन बैप्टिस्ट वंचूरा वर द टू नेपोलियन जनरल्स इन सर्विस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, दिस इज करेक्ट, तो बी इज करेक्ट, यहाँ करेक्ट पूछा हुआ, देखिए बी इज द आंसर। नेक्स्ट 85, विच ऑफ द फॉलोइंग वर वुमेन अडियार सेंट्स ऑफ साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट, तो क्राइकल अम्मीआर यस, गुदादेवी यस, एंड अक्का महादेवी यस। तो इसाइंगना नियार जो थी वो किससे थी, वो नयनार, देखो नयनार नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पर, नयनार। और जो मंगायर कथ हो वो किससे थी, वो करासियार से, तो दो ये इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ए बी एंड डी, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 86, विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट कॉटन प्लांटेशन इन 19th सेंचुरी, अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ 1861 इम्पैक्ट कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, यस कॉटन प्रोडक्शन बूम्ड इन डेक्कन कंट्री साइड, यस। फिर है बाय 1860 टू 90% ऑफ कॉटन इंपोर्ट टू ब्रिटिश केम फ्रॉम इंडिया, यस। एक्सपेंशन टू कॉटन प्रोडक्शन मेड रायट्स रिचर देन साहूकार्स, नो। डेक्कन रायट्स ऑफ 1875 वाज द एक्शन ऑफ साहूकार अगेंस्ट द रिच रायट्स, नो। इसका आंसर क्या रहेगा, ए बी एंड सी ओनली, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 87, मैच करने हैं इंस्क्रिप्शन इन किंग से, सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका है, चंद्रगुप्त का, एहोल इंस्क्रिप्शन किसका है, पुलकेशिन का, अलाहाबाद पिलर किसका, समुद्रगुप्त का, और बारा कॉपर किसका है, मिहिर भोज का। तो आंसर क्या रहेगा इसका, तो ए का थ्री देख लीजिए, एक में ही है, वैसे एक भी पता आपको तो आंसर कर सकते हैं, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 88, अब बिस्वा गज जो हम आज भी यूज करते हैं हरियाणा में होता है ना, भी किले का नंबर क्या है, बिस्वा कितना है, कितना गज है, गज किसने शुरू किया था, सिकंदर लोदी ने, बिस्वा किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, दहशाला किसका है, टोडरमल का, बिगाए दफ्तरी शाहजहां का। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 2314, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 89, दी सोयल डेवलप इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, नो। लेटराइट सोयल कहाँ पर होती है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, लो में नहीं होगी ना। दी सोयल्स आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, नो, दे आर स्कार्स इन ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है ना। Widely cut as brick for use in house construction, yes. These soil have mainly developed in the higher area of peninsular plateau, yes. Answer क्या रहेगा इसका, 3 and 4 only, B is the answer. Next 90, Basel Convention, Basel कहाँ पर है, Switzerland में, ठीक है। तो किस पे थी ये Basel Convention, Control of transboundary movement of hazardous waste पर, 2 रहेगा इसका। रोटरडैम कहाँ पर है, नेदरलैंड्स में, इसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस पर थी, फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय कंट्री विद रिगार्ड टू ट्रेड इन हजार्डस केमिकल्स। मीना माता, मीना माता कहाँ पर है, जापान में। ये किस पर थी कन्वेंशन, मरकरी पर, ठीक है। स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। किस पे था, परसिस्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट, ये यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ, टू रिस्ट्रिक्ट द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। तो क्या बन गया इसका, 2341, 2341 बी इज द आंसर। नेक्स्ट 91, अब देखिए लैंग्वेज टाइप्स लिखे हुए हैं चार यहाँ पर और 10 स्टेट्स लिखी हुई हैं, तो ये बड़ा आसान था। ये देखिए द्रविड कहाँ का है, द्रविड जो नीचे का रीजन है, जो भारत का नीचे का रीजन, दैट इज द्रविड। तो क्या होगा उसमें, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं ऑब्वियसली। इंडो यूरोपियन कौन सी होगी, जो कि हम नॉर्थ में यूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पर अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था यहाँ पर यूरोपियंस का। तो कौन सी होगी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तिब्बतो बर्मन, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, बिकॉज ये पहले किसका पार्ट था, ये पूरा बर्मा का पार्ट था। अगर आपने वो देखा हो ना, एंग्लो बर्मीज वॉर, उसके बाद जो है ये ब्रिटिश इंडिया ने जो है अपने कब्जे में लिया था, उससे पहले बर्मा का ही पार्ट था, ये बर्मीज किंग के अंडर था। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ये किस रिलेटेड है, झारखंड उड़ीसा। तो क्या बन गया इसका, 3142, ए इज द आंसर। और देखिए बी का वन तो एक में ही है, तो उससे भी आप किसको आंसर कर सकते थे। अब क्रॉप है, उनको बताना है कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है। देखिए राइस कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, बंगाल में। बाजरा कहाँ होगा, राजस्थान में। ज्वार महाराष्ट्र। एंड ग्राम कहाँ होगा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2341, बी इज द आंसर।
93. अब देखिए पॉपुलेशन बतानी है, पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट बताना है हमें एज पर 2011 सेंसस. यूपी वॉज दी हाईएस्ट, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल. तो डी इज दी आंसर. नेक्स्ट 94. अब देखिए नेशनल पार्क और स्टेट बतानी है. देखिए बलफकराम, माउंट सिंध राम सुना है, जो राम यहाँ पर होता है दैट इज रिलेटेड टू मेघालय. ठीक है. अब ए का थ्री देखिए, दो में है ये एलिमिनेट हो गए. महावीर हरिणा वनस्थली तेलंगाना में है, नाम धापा तो अरुणाचल प्रदेश, नमेरी आसाम. तो आंसर क्या रहेगा इसका, बी, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 95. अब एनडीआरआई के बारे में देखिए पूछ लिया गया है यहाँ क्वेश्चन, कहाँ पर एनडीआरआई, करनाल में, देखिए लिखा भी हुआ नीचे स्टेटमेंट में. तो एनडीआरआई स्टार्टेड एज इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन 1923 इन बेंगलोर. उसके बाद इसका जो नाम जो है ना, पहले के नाम क्या था, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिर उसके बाद डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया था 1936 में, इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट. फिर उस बाद में शिफ्ट कर काम कर दिया 55 में करनाल में. तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 2 and 3, डी इज द आंसर. नेक्स्ट 96. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए फिर से आएगा ना, भिंडावास, कहाँ पर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल ठीक लिखा. झज्जर में कौन से गांव में ये, भिंडावास गांव में ही है, गांव का नाम है नाहड जो है, नाहड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में नाहड गांव में ही है. और ये छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुशेत्रा में, कौन से गाँव में है ये, बंसी माजरा में. वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है ये, ये पिंजौर में है. और पिंजौर कहाँ पर है, पिंजौर गार्डन पंचकुला. तो महेंद्रगढ़ यहाँ पर रॉन्ग है. तो आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, ए इज द आंसर. नेक्स्ट 97. कंसिडर द फॉलोइंग मैचेस. फेम इंडिया स्कीम किसके लिए है, एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इसमें सब्सिडी भी देते हैं. अब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो सब्सिडी देने के बाद भी इतने महंगे हैं. पीएम विकास पहल टू प्रमोट डेवलपमेंट इन विलेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यस. निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ स्कूल हेड्स एंड टीचर्स, यस. फिर प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी टू पुअर एंड डिप्राइड, यस. तो आंसर क्या देगा, डी, 1, 2, 3, 4, ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट 98. ट्रू अबाउट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, कब इस्टेब्लिश किया गया था, कब सेटअप किया गया था, 2018 में. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई. इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 100% गवर्नमेंट इक्विटी, यस. प्रोडक्ट्स प्राइमरी फोकस ऑन इंक्रीजिंग डिजिटल पेमेंट एंड रेमिटेंस, वेयर एज आईबीबी प्राइमरली एम्स एट सेविंग्स, यस. सर्विस लॉन्च बाय आईपीपीबी इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस, डिजिटल सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, यस. तो 2, 3, 4 इज द आंसर, बी इज द आंसर. 99 देखिए बताना भी, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट बतानी यहाँ पर. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन स्टैचुटरी बॉडी रेगुलेटिंग द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, यस. राजा हरिश्चंद्र कब आई थी, 1913 में. क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस बाय दादा फाल्के वाज रिलीज्ड आफ्टर पासिंग, नो. तो CBFC launched its online portal e-cinema in 2015 to modernize digitize film certification process. This is also wrong. The advisory panel which assists the regional offices of CBFC in examination of film comprise a member who have been nominated by central government for a period of 2 years. Yes. So incorrect कौन से हो गए, 2 and 3, B is the answer. Next आ गया 100. Which of the following statement are true about Indira Gandhi National Center for Arts? It is an autonomous trust set up by Government of India under Ministry of Culture, yes. Started postgraduate diploma courses to train manpower specialized in field of heritage conservation and management. This is also true. As a part of its mandate, it has to prepare national listed own built heritage sites. No. Inka kaam nahi. It is a nodal agency for National Mission for Manuscripts, yes. To answer kya rahega iska? 1, 2 and 4. D is the answer. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज 2022 का एग्ज़ाम पेपर जो पूरा डिस्कस कर लिया है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ मार्क्स. देखिए जो ये HCS का एग्ज़ाम पेपर जो आया है, दिस इज ऑलमोस्ट एज कम्पेरेबल टू UPSC. इतना हार्ड और इतना टफ एग्ज़ाम पेपर पूछा हुआ है, ईजी पेपर नहीं था ये. यू कैन से इट इज़ अ 90% ऑफ UPSC इन टफनेस. एंड अब हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो इट वुड बी अराउंड 62 प्लस माइनस 3 फॉर जनरल. वो पेपर इतना टफ था. दिस इज़ माय एस्टिमेटेड कट ऑफ इन GS पेपर. तो अगर आपके अगर 65 के राउंड बन रहे थे, देन यू कैन थिंक योर सेल्फ एज सेफ. तो आप जो है मेंस की तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हरियाणा सिविल सर्विसेज 2022 का एग्ज़ाम पेपर जो पूरा डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप वो भी अपने आंसर जो है मैच कर सकें.
और उनको भी आइडिया लग जाए कि वेयर दे स्टैंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।